हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनील चौरसिया। मैं आप लोग से पूछूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग इजीली तरीका से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी बता दोगे। लेकिन मैं कहूं कि इससे आप लोग प्रूफ करके दिखाओ कि ये कैसे होता है, तो कितने लोग नहीं बता पाते हैं कि ये कैसे होता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊँगा, वो भी फिगर के साथ, कि ये कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी नाम का एक स्क्वायर लेते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इस फिगर को देखिए, क्योंकि आप लोग इस फिगर को समझ लोगे ना तो इजीली तरीका से प्रूव कर सकते हो। तो ये ए बी सी डी नाम का एक स्क्वायर है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसे दो भाग में बांट कर ई एफ नाम देना है, कुछ इस तरह। अब देखिए, जो ये हमारा ए है ना, उसे ए मानना है, और बी है ना, उसे बी मानना है। तो हमारा पूरा ए बी क्या होगा, ए प्लस बी, क्योंकि ए ही ए है और बी बी है। इसीलिए जब हमारा ए ही ए है तो डी एफ भी ए ही होगा, वैसे ही बी बी है तो एफ सी भी बी होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इस फिगर को कुछ इस तरह भाग में बांटना है ना कि इसके अंदर दो स्क्वायर बन जाए। देखिए कैसे, तो कुछ इस तरह आप लोगों को काट कर जी एच नाम का देना है, और जो बीच का पॉइंट है ना उसे एक्स मानना है। अब देखिए, जो ये जी एक्स एफ डी है ना, वो एक स्क्वायर है, वैसे ही ई बी एच एक्स भी एक स्क्वायर है। बाकी जो ये दो है ना, ए ई एक्स जी और एक्स एच सी एफ, ये रेक्टेंगल है। अब ध्यान से देखिए, हमारा ए ए है और डी एफ भी ए है, तो जी एक्स एफ डी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, तो हम एफ एक्स बराबर ए लिख सकते हैं। वैसे ही एफ एक्स ए है तो सी एच भी ए होगा, वैसे ही ई बी एच एक्स भी एक स्क्वायर है तो बी ई बी है, वैसे ही बी एच भी बी होगा, तो पूरा बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब देखिए, इस बड़ा स्क्वायर के अंदर चार फिगर बना है, जिसमें दो स्क्वायर और दो रेक्टेंगल है, तो हम चार फिगर का एरिया निकाल कर जोड़ेंगे तो इस बड़ा वाला स्क्वायर का बराबर आएगा। तो चलिए चार फिगर का एरिया निकालते हैं। तो हम जी एक्स एफ डी का एरिया ए स्क्वायर होगा, क्योंकि जी एक्स एफ डी एक स्क्वायर है और उसका साइड ए है, इसीलिए। वैसे ही आप ई बी एच एक्स के भी एरिया निकालोगे तो बी स्क्वायर आएगा। ये तो हमारा हो गया दो स्क्वायर का एरिया। अब बाकी दो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम ए ई एक्स जी का एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया एल इंटू बी यानी ए इंटू बी होगा, क्योंकि ए ए है और एक्स ही बी है, जहां बी एच इक्वल टू एक्स ही है, इसीलिए। वैसे ही एक्स एच सी एफ का भी एरिया एल इंटू बी यानी ए इंटू बी होगा। तो अब क्या करोगे, चारों फिगर का एरिया जोड़ेगे तो ये बड़े वाला स्क्वायर का एरिया से बराबर होगा। तो हमारा ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि जो ये हमारा ए बी सी डी बड़ा वाला स्क्वायर है ना, इसका ए बी साइड क्या है, ए प्लस बी है। तो ए हमारा स्क्वायर का एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्रूव कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है। तो अगर वो आप लोग को जाना है तो मेरे चैनल सुनील चौरसिया को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।